हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन। एंड टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डेलीगेट प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूज़ किया था कि प्रोटोकॉल एक्सटेंशन को हम किस टाइप से यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे कि डेलीगेट प्रोटोकॉल का हमने किस टाइप से यूज़ करना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज डेलीगेट प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड, डेलीगेट इज ए कॉमन डिज़ाइन पैटर्न इन कोकोए एंड कोकोए टच फ्रेमवर्क्स, वेयर वन क्लास डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग सम फंक्शनैलिटी टू अनदर। तो फ्रेंड, डेलीगेट्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ए प्रोटोकॉल डिक्लेरेशन, सो वी विल डिक्लेयर ए प्रोटोकॉल विच द डेलीगेट विल इम्प्लीमेंट। तो फ्रेंड, जो हम डेलीगेट हैं, डेलीगेट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोटोकॉल डिक्लेरेशन। तो फ्रेंड, जब भी हमने डेलीगेट का यूज करना है तो वो हमने विद द प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल की हेल्प से हम डेलीगेट का यूज करते हैं। तो डेलीगेट फ्रेंड हमारा क्या है, एक सिंपली वन टू वन कम्युनिकेशन है कि हम एक क्लास को कम्युनिकेट करते हैं दूसरी क्लास से। तो मेनली फ्रेंड हम डेलीगेट का यूज करते हैं मैसेज पासिंग के लिए फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेलीगेट प्रोटोकॉल एंड हाउ वी इम्प्लीमेंट द डेलीगेट प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड, जिस टाइप से एक कंट्री दूसरी कंट्री को से कम्युनिकेट करने के लिए अपना डेलीगेट भेजती है, अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं तो फ्रेंड वहाँ पे डेलीगेट में एक पर्सन, दो पर्सन या मैनी पर्सन्स भी हो सकते हैं जो किसी एक कंट्री का मैसेज दूसरी कंट्री को पास आउट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी टॉपिक पे, किसी डिस्कशन पे, एंड वो रिटर्न करते हैं अपनी कंट्री को। सपोज फ्रेंड, अगर इंडियन गवर्नमेंट अपना कोई डेलीगेट US गवर्नमेंट को भेजती है, तो यहाँ पे जो डेलीगेट जाएगा फ्रेंड इंडियन गवर्नमेंट से, वो किसी टॉपिक या किसी मैसेज पे डिस्कशन के लिए जाएगा। एंड जो डेलीगेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो फ्रेंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो US के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उनसे कम्युनिकेट करें, वन टू वन कम्युनिकेट करें, एंड जो भी उस मीटिंग का या जो भी उन्होंने मैसेज पास करना है, जो हमारा डेलीगेशन हमारा दूसरी कंट्री में गया है, तो फ्रेंड उस डिस्कशन को वो रिटर्न करते हैं अपनी कंट्री में। सपोज अगर इंडिया से कोई डेलीगेट US के लिए गया है, तो फ्रेंड वो उसका जो रिजल्ट होगा डेलीगेशन का, उसको वो रिटर्न करेगा इंडिया को। तो इस टाइप से फ्रेंड एक कंट्री दूसरी कंट्री से कम्युनिकेट करने के लिए डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती है, वो करती है विद द हेल्प ऑफ द डेलीगेशन। तो डेलीगेशन की हेल्प से वो एक दूसरे से किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो उसी टाइप से फ्रेंड यहाँ पे भी हमारी जो क्लास है, अगर हमने किसी क्लास के मैसेज को दूसरी क्लास में शो करना है, सपोज मुझे सेकंड क्लास के मैसेज को फर्स्ट क्लास में शो करना है, तो फ्रेंड हम विद द हेल्प ऑफ द डेलीगेट हम रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड क्लास के मैसेज को फर्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ वी यूज द डेलीगेट पैटर्न्स। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे ऑलरेडी दो व्यू कंट्रोलर्स को ऐड किया हुआ है। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है फर्स्ट व्यू कंट्रोलर, एंड हमने यहाँ पे लिया है फ्रेंड सेकंड व्यू कंट्रोलर। तो हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को शो करना है, एंड यहाँ पे हमने ऐड करना है। तो सपोज फ्रेंड मैं रन करता हूँ, तो अभी मुझे जो हमारा प्रोग्राम है वो किस टाइप से शो हो रहा है वो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो हमें इस टाइप का जो UI व्यू है वो अभी शो हो रहा है। यहाँ पे मुझे ऐड करना है, एंड एम्प्लॉय के डाटा को हम यहाँ पे फ्रेंड फिल करेंगे, एंड फर्स्ट व्यू कंट्रोलर पे हम शो करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय को इंफॉर्मेशन के लिए जो हमने लेबल ऐड किए हैं फ्रेंड, हमने इनिशियली उनको हाइड किया है। अभी डेलीगेट का हम यूज़ करेंगे, एंड डेलीगेट की हेल्प से फ्रेंड इंफॉर्मेशन को हमने शो करना है फर्स्ट व्यू कंट्रोलर पे। तो फ्रेंड जब भी हम डेलीगेट का यूज़ करते हैं, तो डेलीगेट को हम यूज़ करते हैं विद प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड सपोज मैं यहाँ पे एक प्रोटोकॉल ऐड करता हूँ, प्रोटोकॉल, एंड अभी यहाँ पे फ्रेंड हमने ऐड करना है प्रोटोकॉल का नेम। सपोज मैं यहाँ पे एम्प्लॉय डाटा के नाम से एक प्रोटोकॉल यहाँ पे हम ऐड करते हैं, एंड यहाँ पे फ्रेंड हमने क्या करना है, एक फंक्शन ऐड करना है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एंड कोई भी पैरामीटर अभी हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे। एंड तो पैरामीटर में फ्रेंड हमने यहाँ पे ऐड करना है नेम, एंड नेम को हमने जो उसकी टाइप है वो ऐड करेंगे। सपोज मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय की पोस्ट फ्रेंड हम यहाँ पे ऐड करेंगे एम्प्लॉय की पोस्ट, एंड यहाँ पे सिटी,
तो यहाँ पे फ्रेंड हमने ऐड करना है डेलीगेट एम्प्लॉय डाटा। तो इस टाइप से फ्रेंड हम एम्प्लॉय को जो हमने प्रोटोकॉल लिया है उसको हम डेलीगेट की हेल्प से यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड तो फ्रेंड जैसे मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोग्राम को, जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सबमिट पे हमने जो भी डाटा यहाँ पे एम्प्लॉय का डाटा फिल करना है सबमिट पे फ्रेंड हमने रिटर्न करना है प्रीवियस स्क्रीन पे। तो उसके लिए फ्रेंड हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे टाइप करना है सेल्फ डॉट डेलीगेट डॉट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे फ्रेंड सपोज मुझे ऐड करना है जो हम यहाँ पे नेम ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे फ्रेंड हमने क्लिक करना है सेकंड तो इस टाइप से ऐड करना है। एंड अभी फ्रेंड हमने क्या करना है कि जो हमने फर्स्ट यहाँ पे व्यू कंट्रोलर लिया है तो फर्स्ट व्यू कंट्रोलर में फ्रेंड अभी हमने क्या करना है डेलीगेट को अभी हम प्रिपेयर फॉर सेगवे का यूज़ करेंगे। फ्रेंड जब भी हमने डेलीगेट को एक क्लास से दूसरी क्लास पे यूज़ करना है डाटा को पास करने के लिए तो हम यहाँ पे जो हमने सेकंड वीसी ओबीजे लिया है तो उसको फ्रेंड हमने यहाँ पे डेलीगेट को हमने यहाँ पे इस टाइप से हम सेल्फ करेंगे। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है एम्प्लॉय डाटा है तो उसको हमने पहले यहाँ पे अगर इस क्लास में फ्रेंड हमने यूज़ करना है तो हम इसको इस टाइप से पहले ऐड करेंगे क्लास में एंड देन हम इसको यहाँ पे इस टाइप से सेल्फ करेंगे। तो अभी फ्रेंड हम क्या है कि अभी हमें एक एरर मैसेज हो रहा है कि अभी हमने प्रोटोकॉल का जो स्टब है जो मेथड है वो अभी हमने ऐड नहीं किया है तो हम इसको फिक्स करेंगे। तो हमें जो मेथड है वो यहाँ पे शो हो जाता है तो अभी फ्रेंड मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी एंड हम इसको यहाँ पे इस टाइप से भी ऐड कर सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड हमने यहाँ पे हाइड किया है इन्फॉर्मेशन को लेबल को तो जैसे हम इस मेथड में यहाँ पे होते हैं तो हमने इसको कर देना है फॉल्स। एंड यहाँ पे फ्रेंड हमने क्या करना है कि जो भी हमने यहाँ पे लिया है लेबल LBL लेबल 1.text इज इक्वल टू यहाँ पे फ्रेंड हमने लेना है नेम, यहाँ हमने लेना है लेबल 2 एंड लेबल 3। तो यहाँ पे फ्रेंड हम करेंगे जो भी हमने पोस्ट ऐड करनी है एंड यहाँ पे हम करेंगे सिटी इस टाइप से। तो अभी फ्रेंड रन करते हैं अगेन तो फ्रेंड अभी हमें कोई भी एरर मैसेज शो नहीं हो रहा है तो मैं रन करता हूँ एंड यहाँ पे फ्रेंड हम ऐड करते हैं एम्प्लॉय का नेम। सपोज मैंने यहाँ पे ऐड किया अमित एंड यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का जो पोस्ट है वो ऐड करना है। सपोज मैंने ऐड किया मैनेजर एंड यहाँ पे हमने सिटी ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ दिल्ली। तो अभी फ्रेंड मैं ऐड करता हूँ सबमिट तो फ्रेंड हम चेक कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन हमने सेकंड व्यू कंट्रोलर पे ऐड की है वो हम फर्स्ट व्यू कंट्रोलर पे इस टाइप से चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप से फ्रेंड हम डेलीगेट मेथड्स का यूज़ करते हैं एक क्लास के डाटा को दूसरी क्लास में यूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।